हेलो दोस्तों, यहाँ की अनोखी शादी, दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं। देखिए, दूल्हा दुल्हन शादी के लिए बैठे हुए हैं और दुल्हन के परिवार वाले एक लाइन लगाकर अभी बहुत सारे चीज़ दान करेंगे, जैसे पीतल का बर्तन, कढ़ाई, छोलनी, बेलना, चौकी, सब कुछ दान करेंगे। और बगल में लड़के का जो रिश्तेदार है वो बर्तन को हटाते जा रहे हैं, कोई पैसा दान कर रहे हैं। और दान कर करके देखिए, पीतल का ये तसला है ना, तसला दान किए। और देखिए, आराम से यहाँ मैं हूँ जो वीडियो शूट कर रही हूँ, आगे पीछे का सारे लोग देख रहे हैं जिस तरह से शादी हो रही है उस तरह से। और अब आ गई सात फेरों की पारी, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा। सात बार फेरे लेते हैं और जो ठकराइन होती है ना, ठाकुर जो बाल कटने वाली उनकी बीवी वहाँ पर है, और वो है जो लड़के से सात बार पैर छूने के लिए बोलती है। देखिए किस तरह से पैर छू रही है, मतलब दूल्हा जो पैर छू रहा है, एक बार छुआ, वो बता रही है किस तरह से। जब मैंने पूछा कि ये सात बार क्यों पैर छुआया जाता है, तो बोला कि कुंवारी कन्या के ऊपर नाग माता होती हैं, इसलिए पहले वो नाग माता को पैर छू छू करके हटाया जाता है, इसलिए लड़के को पैर छुआ जाता है लड़की का। पता नहीं इन लोग का क्या नियम है, बस मुझे यही बताया गया है, तो मैं आप लोग को वीडियो में बता रही हूँ आप लोग के यहाँ किस तरह से शादी होती है, सात फेरे होते हैं। और इधर देखिए, लावा भी छिटाई हो रही है। लावा है सो लड़की का भाई है सो सूप में डाल रहा है, और लड़का लड़की है जो लावा छिटते हुए सात फेरे ले रहे हैं। कितना मजा आ रहा है देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह सात बार लड़का दूल्हा है सो दुल्हन का पैर छूता है। इधर मैंने दूल्हा को आवाज़ लगाया तो पीछे घूमकर मुस्कुराकर थोड़ा सा फिर से फेरे लेने लगा। और देखिए इधर, ये आगे में जो लावा दे रहा ना, वो लड़की का दुल्हन का भाई था। और ये है ठाकुर की वाइफ। अब सात फेरे हो चुके हैं दोस्तों, अब आ गया सिंदूर की पारी। तो पांच बार किया सिंदूर का किया होता है, उसमें पांच बार लड़की सिंदूर डालती है, पांच बार लड़का, ये काम पंडित जी करवा रहे हैं। अब देखिए सिंदूर दान हो रहा है, इस तरह से चारों तरफ से ढक कर, किसी को देखने नहीं दिया जा रहा है, ढक कर, पूरा ढक कर, सिर्फ यहाँ तक लड़की का चेहरा ढक दिया गया है। और जो मांग है ना, उसमें सिंदूर पांच बार डाला दुल्हन। सिंदूर के बाद से अब पारी आई मंगलसूत्र पहनाने की। ये देखिए, मंगलसूत्र पहना सकते हैं इस तरह, उसमें चारों तरफ से नहीं ढका गया, खुला दिखाया गया। और पहले तो गठबंधन होना चाहिए था शादी फेरे लेने के पहले, यहाँ तो फेरे के बाद गठबंधन हुआ, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा यहाँ पर। फेरे के पहले गठबंधन होनी चाहिए थी, तो ये फेरे के बाद गठबंधन हुआ यहाँ पर, शायद इन लोग का अलग नियम होंगे। है तो मेरे ही रिश्तेदार, लेकिन थोड़ा दूसरे रिश्तेदार में है। हम लोग के यहाँ तो पहले गठबंधन होती है, उसके बाद साफ फेरे। आप लोग के यहाँ कैसी होती है शादी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आई पारी बड़े भैया, लड़के के बड़े भैया, दूल्हे के बड़े भैया, जो साड़ी दान कर रहे हैं अपनी भावों को, समझ सकते हैं ना, भसूर भावों का रिश्ता, बड़े दुल्हन को साड़ी। तो इस तरह से आगे से नहीं बोले, पीछे से सिर्फ
सिर को ढकना है, तो पीछे से सिर को ढक रहे हैं। और पंडित जी बोले कि आगे से 5 बार इस तरह घूंघट इस तरह का आगे पीछे करना है, सारे का 5 बार। मैं तो पहली बार इस तरह से देख रही हूँ। और आशीर्वाद भी दे रहे हैं 5 बार चावल, अरवा चावल डालकर पंडित जी, मतलब जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे। Gracias.